और ये लीजिए, थाली खाने के लिए तैयार है, नवरात्र स्पेशल थाली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू हैशटैग कुक विद नंदिनी सीरीज एपिसोड 6 हम शूट कर रहे हैं और आज हम बहुत ही कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं हमारे इस एपिसोड में। तो मम्मा क्या बनाने वाले हैं हम? क्योंकि आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं तो मैंने सोचा नवरात्र थाली बनाते हैं, स्पेशल नवरात्र। मम्मा का आइडिया था कि क्योंकि नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं तो इससे बेटर क्या हो सकता है कि हम आप लोगों के साथ नवरात्रों की स्पेशल थाली की रेसिपी शेयर करें। तो बस अब बहुत लंबी लिस्ट बनाई है मम्मा ने, देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। तो मम्मा हम स्टार्ट किससे करने वाले हैं आज? पहले मैं रखूंगी खीर, समा के चावलों की खीर। ठीक है, तो हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं खीर। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। इसमें मैंने हाफ कटोरी ली है समा के राइस, इसको हम स्वांग के चावल भी बोल देते हैं। एक बड़ा मिल्क मग लिया मैंने दूध का, थोड़े से भीगे हुए बादाम, चीनी टेस्ट के हिसाब से और थोड़े से फूल मखाने ड्राई रोस्ट करे हुए। पहले मैं इसको समा के चावलों को धो लूंगी। ठीक है, मैंने चावल धो लिए हैं। गैस ऑन करके चावल और दूध को मैं रख रही हूँ। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा हम इसको स्लो कर देंगे। मामा हमने राइस की और दूध की कितनी क्वांटिटी ली है? हाफ कटोरी राइस ली है और एक बड़ा मिल्क मग मैंने दूध का लिया। ठीक है, हाफ कटोरी राइस और एक बड़ा मिल्क मग हमने दूध का लिया। अब जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो मैं इसको स्लो कर दूंगी। अभी हम चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डाल रहे, सिर्फ दूध राइस में डाल देंगे तो फिर नीचे लगनी स्टार्ट होगी। चीनी हम एंड में डालेंगे। ठीक है, ठीक है। ये अब दूध में बॉयल आ गया है, अराउंड 5 मिनट हो गए हैं खीर को। हाँ, और वो सारे एब्जॉर्ब भी कर गया ना। और अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर रही हूँ। ये हम कितनी क्वांटिटी ऐड की है हमने? 1/4 मिल्क मग मैंने ऐड किया है। और ये देखो, बस अब इसमें हम शुगर मिला देंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट चावल तो डन हो ही गए हैं। हाँ, चावल डन। ये मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। कितनी लिया मम्मा हमने शुगर? मैंने अराउंड 1 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं, बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से। हाँ, कईयों को मीठा तेज पसंद है, कईयों को कम पसंद है, तो उसको अकॉर्डिंग। और खीर भी ऑलमोस्ट, अगर आपने ज्यादा काटनी आप ज्यादा काट लें। इसमें थोड़े से मैंने बादाम डाल रही हूँ। और बस यहाँ पे हमने भीगे हुए बादाम जो थे काट के डाल, थोड़े से ऊपर से डाल देंगे। और थोड़ा ये जो ड्राई रोस्ट करके रखा होता है पूरी मखाना, वो भी मैश करके डालती हूँ। खीर तो हो गई हमारी रेडी। 1-2 मिनट के लिए मम्मा इसको रखेंगे और खीर तो डन है हमारी। ऐसे मैंने मैश करके डाल दी, हाथ से ये मैश हो जाते हैं। खीर को मैं करने लगी हूँ बंद। खीर तो हमारी डन हो गई है। तो खीर तो हमने रख दी है और मीनवाइल अब हम दूसरी जो हमारा सेकंड डिश जाएगी हमारी थाली में, उसकी प्रिपरेशन करने लगे हैं। फटाफट से उसके इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या यूज करने लगे हैं। हम बनाने जा रहे हैं व्रत के सीख कबाब। वाह 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 वाह, व्रत के सीख कबाब। इसमें मैंने लिया है 1 आलू। ठीक है, बॉइल्ड, इसको मैश कर लेंगे। हाफ कटोरी लिया मैंने समा के चावलों का आटा, स्वांग के चावलों का आटा, थोड़ा सा धनिया, नमक। और इधर मैंने लिया है इतना सा, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा पनीर का, क्योंकि हम बहुत थोड़ी क्वांटिटी बना रहे हैं। उसमें मैंने धनिया हरी मिर्च डाल दिया, अदरक डाल लेंगे साथ में हम। ठीक है, धनिया हरी मिर्च अदरक डाल लिया मैंने इसमें। इसमें भी हम अदरक डालेंगे और नमक। व्रत में मैं हम यूज भी हम सेंधा नमक करते हैं, मैं लाल मिर्च यूज नहीं करती हूँ। टमाटर मैं नहीं यूज करती हूँ, कई लोग टमाटर यूज करते, हल्दी टमाटर मैं कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। हाँ, बाकी अपनी प्रेफरेंस, अगर कोई यूज करना चाहता है तो कर सकता है। अब इसमें मैंने चावल का आटा डाल दिया, आलू, अदरक, हरी मिर्च, धनिया। ये स्टफिंग के लिए पनीर, इसमें भी बस नमक, अदरक, हरी मिर्च डाल दिए। पनीर की स्टफिंग में मैंने हल्का सा भुना जीरा डाल लिया। तो पनीर की जो स्टफिंग हम यूज करेंगे उसमें मम्मा ने डाला हल्का सा नमक, अदरक, हरी मिर्च, धनिया और थोड़ा सा कटा हुआ काजू भी डाल रही हूँ इसमें स्टफिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा उधर रेडी हो गया आटा, तो अब स्टफिंग रेडी हो रही है। अब इसको हम शेप दे लेंगे, हल्का सा पानी लगा के। अब इसमें मैं स्टफिंग को भर के, ये मैं लंबी लंबी फिंगर्स की तरह बना। मामा जो आपने पनीर की स्टफिंग बनाई है उसकी इतनी फ्रेगनेंस आ रही है ना, सारे वो फ्लेवर्स, उसका ऐसे खुशबू आ रही है इतनी ज्यादा। मामा आपको ये सीख कबाब किसने सिखाए बनाने? वो भी व्रत वाले? ये बहुत देर के हम बनाते हैं। सिखाए किसने? सिखाए किसी ने, एक्सपेरिमेंट कर करके। हाँ, चाहो तो आप इसको एक्चुअली गैस पे भी रोस्ट कर सकते हो, शैलो फ्राई भी कर सकते हो, पर मैं तो इसको फ्राई करूंगी पूरा। ठीक है, कोई गेस्ट आ जाए ना अचानक तो फिर ऐसे ही होता है। फिर एक बार हमारे नवरात्रि में गेस्ट आ गए थे अच्छा, तो डिशेस अलग अलग बनाने के लिए भी चीजें तो वही होती है व्रत में। हाँ, बट मिक्स एंड मैच करके चीजों का तो नई नई डिशेस निकल आती हैं। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं हमारी सारी सीख कबाब। स्टफिंग की क्या ही खुशबू आ रही है, वो तो पूछो ही। ये कबाब की मैंने दे लिया शेप, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। मैं उसके लिए मूंगफली का ऑयल यूज कर रही हूँ, जो हम व्रत में नॉर्मली यूज करते हैं। तेल गर्म हो गया, अब इसमें मैं इनको छोड़ रही हूँ। तो हम गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। हाँ। और फ्लेम हमने रखी है मम्मा हाई पे कर लो, इस पे कुछ कच्चा रहने वाला नहीं है। अंदर पनीर की स्टफिंग है। हाँ, पनीर की स्टफिंग है और साथ में आलू और आटे का वो है, मिक्सचर है। ये हो गए गोल्डन ब्राउन, मैंने इनको निकाल लिया। मेरा तो अभी देख के खाने का मन कर रहा है मम्मी, पर मुझे रिव्यू तक वेट करना पड़ेगा। तो मैंने कभी नहीं ना बनाया, मैंने कभी नहीं खाया, तभी तो मुझे है एक्साइटमेंट देखने की कि कैसे है टेस्ट में, क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं आपके हाथ के सीख कबाब। अगर ज्यादा ऑयल हॉट हो जाए तो हम थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं, वैसे ऑयल ये ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्लो नहीं किया। और देखो कितने क्रिस्पी बने हैं, देखो प्रॉपर क्रिस्प आया इनमें, क्योंकि इसमें हम समा के चावलों का आटा करें। हाँ, तो वो करारापन देते हैं। हाँ, सिंगाड़े का आटा तो वो इतना क्रिस्पी नहीं। तभी तो मामा हमारी जो चपातीस भी होती हैं व्रत वाली, वो कितनी क्रिस्पी होती है ना आटे के कारण। जब ये भी हो गए हैं, ये भी मैं निकाल रही हूँ। चलो, हमने हमारी दो डिशेस तो रेडी भी कर ली। इधर हमारी खीर भी रेडी हो गई है और उधर हमारे कबाब्स भी रेडी हो गए हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं व्रत की कड़ी। व्रत की कड़ी भी होती है क्या? हाँ, कमाल है वैसे। अब इसमें मैं यूज कर रही हूँ दही, सिंघाड़े का आटा, धनिया, हरी मिर्च, अदरक, कड़ी पत्ता, जीरा और सेंधा नमक और थोड़ा सा रिफाइंड और पानी। चलो बनाते हैं। ये मैंने हाफ बाउल दही लिया है, इसमें मैं 11 स्पून डाल रही हूँ सिंघाड़े के आटे का, हल्का सा नमक डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट जितना। हाँ, हरी मिर्च डाल रही हूँ। और इसको मैं इन सब चीजों में तो हमें हरी मिर्च यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम रेड मिर्ची तो यूज करते हैं। ये मैंने मिक्स कर लिया है और इसमें मैं मिला दूंगी पानी। ठीक है, कितना पानी जाएगा? पानी तो बेटे अंदाजे से ही जाएगा ना इसमें। ये इसमें पानी डाल दिया और इधर से हमने गैस ऑन कर दी है। अच्छा, जो हमारा है मूंगफली का तेल, थोड़ा सा वो ले लिया हमने, अराउंड 1 टेबल स्पून। इसमें डाल दिया मैंने जीरा, स्लो पे कर दिया मैंने गैस। ठीक है, अदरक, कड़ी पत्ता। मुझे तो लगा वो मेरे ऊपर ही आने लगी है। और ये दही डाल, ये दही वाला मिक्सचर। इसमें हमने डाला है आटा, पानी और दही और हल्का सा हल्दी। तो मामा हम डालते नहीं है। हाँ, हम डालते हैं, जो हल्दी खा लेते हैं वो हल्दी डाल सकते हैं इसमें। वो व्हाइट कड़ी पहली बार किसी ने खाई होगी यार। आपको ऐसे आइडियाज आते कहाँ से यार? पर ये टेस्टी बहुत। वो तो मैं ही बताऊंगी रिव्यू के टाइम की ये टेस्टी है या नहीं है। ये भी आपने मुझे कभी नहीं खिलाई है। ये सारी चीजें आपने अपनी कुकिंग वीडियो के लिए रखी हुई थी संभाल के, कि कुकिंग वीडियो बनेगी तो तब मैं शिप्रा से ये रिव्यू करवाऊंगा। कितना टाइम लगता है इसको कुक करने? इसको 5-7 मिनट लगेंगे। हम जब समा के चावल बनाते हैं ना, समा के राइस बनाते हैं, उसके साथ आप उसके साथ कड़ी चावल हो गए काइंड ऑफ। बस ये अभी गाढ़ी हो जाएगी। इसे 4 to 5 मिनट्स हम कुक कर लेंगे। और फ्लेम क्या रखेंगे मम्मा? मीडियम पे रखी मैंने। अच्छा, हाई पे भी हो गई। खुशबू तो इतनी आ रही है, कांट टेल यू। वीडियो के थ्रू खुशबू नहीं ना ट्रांसफर हो सकती। वीडियो की रेसिपी तो मैं बता सकती हूँ लोगों को, जो खुशबू आ रही है वो। कड़ी ना खाने को दिल करे वो ऐसे तड़का भी लगा सकता है। बस इसमें से दही को तड़का लगा के भी खाया जा सकता है। दही गर्म नहीं करना, उसमें तड़के में ऐसे कड़ी पत्ता वगैरह सब कुछ डालो और दही की कटोरी में ऊपर से तड़का डालो। बॉयल आना शुरू हो गया ना। ये हमारी कड़ी तैयार हो गई है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं धनिया के साथ बाद में गार्निश करूंगी। ठीक है, इसमें इतनी कड़ी बन रही है। ठीक है, इसको हम बाद में धनिया के साथ गार्निश। हमारी 3 डिशेस डन हो गई हैं। अब हम चौथी डिश बना रहे हैं, व्रत का कढ़ाई पनीर। ऐसे नाम लोगों ने सुने भी नहीं होने जो आप बना रहे हो। कढ़ाई पनीर है ये, व्हाइट पर व्रत का है ना मम्मा। ये देखो, इसके लिए मैंने थोड़े काजू भिगो के, 8 से 10 दाने काजू के भिगो के काजू की पेस्ट बना ली है। ठीक है, ये मैंने मलाई रखी है, थोड़े से पीसेस कॉटेज चीज, घर का पनीर मैंने बनाया है, जीरा, नमक, सेंधा नमक, धनिया, अदरक, हरी मिर्च तो हम साथ में लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें डालने लगे हैं हल्का सा रिफाइंड। मलाई भी तो है ना, इसमें कौन सा कुछ हमने भूनना है, बस जीरा ही हल्का सा करना है। जीरा मामा आप इतने इनोवेटिव डिशेस लाते कहाँ से हो यार? मैंने तो नहीं सुनी ये डिशेस जो आप बना रहे हो आज। और इसमें मैंने डाल दी है जो हमने काजू की पेस्ट बनाई, 1 चम्मच काजू की पेस्ट डाली अभी, 1 स्पून डाला छोटा है ना, जीरा डाल दिया, ठीक है। और फ्लेम क्या रखेंगे मम्मा? स्लो करने लगी हूँ मैं। 1 बड़ा स्पून में डाल रही हूँ मलाई का। इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा पानी ऐड कर दिया, काइंड ऑफ ग्रेवी सी बना रही है इसकी ना, व्हाइट ग्रेवी। अगर किसी को ये मीठी मीठी लगे तो इसमें हल्का सा दही भी ऐड कर सकते हो आप, टेस्ट करके देख लो अगर किसी को मीठा मीठा लगता है पनीर। हल्का सा थोड़ा सा मैं इसमें कद्दूकस किया हुआ, ये मैं डायरेक्ट इस पे कद्दूकस करी, मैंने डायरेक्ट ही कद्दूकस कर दिया। ये अभी 2 मिनट में हो जाना, क्योंकि थोड़ा सा ना अदरक का टेस्ट आता है इसमें, और थोड़ा वो जो करारापन भी है वो भी अदरक से आ जाता है। हमारी ग्रेवी रेडी है। इसमें मैंने 4 पीस डाल पनीर के, 4 से 5 पीस। और रेडी भी हो गई। और क्या, तो अब आप ये टेस्ट करके देखो कैसी है। मैं तो बाद में रिव्यू के टाइम ही टेस्ट कर। ठीक है चलो, अब हम बनाने लगे हैं साबूदाना खिचड़ी। वो तो मैंने बहुत बार खाई हुई है और बहुत टेस्टी होती है, ये तो न्यू नहीं है मम्मी। इसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी साबूदाना, इसको हम भिगो देंगे, धोकर हम भिगो देंगे 2 से 3 घंटे कम से कम, और भिगोने के बाद ये इतना हो जाएगा क्वांटिटी, डबल ही हो गया। हाँ, ये मैंने भिगो के रखा हुआ, ये इतना हो जाता है, ठीक है। कच्ची मूंगफली के दाने, उबला हुआ आलू, कटी हुई मूली, अदरक, कड़ी पत्ता, नींबू, धनिया, जीरा, नमक, हरी मिर्च। कढ़ाई में ले लिए थोड़ा सा रिफाइंड, उसमें हम डालेंगे जीरा, ये जीरा तड़कने लगा बस, ये इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता, मूंगफली के दाने। ये आपकी इच्छा, आपने कितने लेने हैं मूंगफली के दाने, जैसे मेरे को अच्छी लगती है मैंने थोड़े से ज्यादा ले लिए। मम्मा व्रत में खा सकते हैं मूंगफली के दाने? हाँ, क्या होगा? अच्छा ये सॉल्टेड नहीं ना होंगे? सॉल्टेड नहीं होंगे। ये अदरक, मूली, बॉइल्ड आलू मैंने हाफ डाला, आधा आलू, ठीक। अब ये डाल रही हूँ मैं साबूदाना, हल्की सी हरी मिर्च, नमक तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। इसको मैंने हिला के बस थोड़ी देर के लिए स्लो पे ढककर मैंने स्लो कर दी गैस। मम्मा कितनी देर के लिए इसको करेंगे? 2-4 मिनट 5 मिनट बस, ये हो जाएगा, ठीक है। और गैस स्लो पे कर दी है? गैस स्लो पे कर दी। बीच बीच में इसको हम हिलाते रहेंगे, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा सारा, जब हमें पता लग जाएगा कि ये पक। हाँ बीच बीच में से तो हो गया ट्रांसपेरेंट। अब देखो 4 से 5 मिनट बाद ये देखो ये ट्रांसपेरेंट हो गया है ना, बस ये रेडी है। हाँ, खाने के वक्त हम इसके ऊपर धनिया डालेंगे, ठीक है। ये भी हमारी डिश हो गई है। इसके टिकड़ी के इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने 2 आलू ले लिए, 1 कटोरी समा के चावलों का आटा ले लिया, धनिया, अदरक, हरी मिर्च, मूली, जीरा, नमक। इस सारों को मैं बाउल में मिक्स करने लगी। आप आलू कम चाहो कम डाल सकते हो, जो लोग घिया खा लेते हैं वो लोग घिया डाल सकते हैं। हम तो आलू ज्यादा प्रेफर करते हैं ना मम्मा, हम घिया नहीं खाते। मम्मा घिया भी खा सकते हैं क्या? हाँ। तो इसमें हमने आलू डाल लिया, मूली कसूरी डाल लिया, धनिया डाल लिया, हरी मिर्च डाल लिया, आटा 1 कप डाल लिया, नमक डाल लिया और जीरा। बस हल्का सा पानी इकट्ठा करने के लिए डाल रही हूँ। ये 2 तरीकों से बन सकती है, आप चाहो तो इसको फ्राई भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसको तवे पे भी बना सकते हो। मैं तो इसको तवे पे बनाना प्रेफर करूंगी, कितना ऑयली खा के। फिर जिन लोगों ने मम्मी रोज फास्ट रखना है उनके लिए तो मुश्किल है ना इतना डेली ऑयली खाना। हाँ। अब रोटियों का बैटर रेडी हो गया, इन पे मैं हल्का हाथ से पानी लगा के इसको हम हाथ से में टिक्की बना दूंगी। इधर तवा गर्म होने रख दिया और ये हल्के हाथों से पानी लगा के मैं इस रोटी को हाथ से बेल लेंगे इसको। इसको भी मम्मा हम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हाँ, ये मैंने हल्का हल्का घी लगा दिया, ऐसे साइड टर्न, जैसे रोटी बनाते बिल्कुल वैसे ही साइड टर्न करी जाएंगे और ये हो जाएगा। मैं इसको स्लो पे करने लगी, स्लो पे रखी थी, रोटियां हो गई हैं। अब हम करेंगे प्लेटिंग, जो आपका फेवरेट पार्ट है, और फिर आपको थाली दिखाते हैं। ये रही हमारी कड़ी, तो धनिया के साथ गार्निश हो गई है। ये हमारी आ रही है साबूदाने की खिचड़ी, उसके साथ नींबू अगर डालना हो तो। ये रहा पनीर, रायता, खीर, ये रहे हमारे सीख कबाब, ये रही हमारी चपाती, ये रही हमारी सैलेड, और ये लीजिए थाली खाने के लिए तैयार है, नवरात्रि स्पेशल थाली। रिव्यू मेरे को तो देख के बड़ी भूख लग रही है। सबसे पहले मैं ट्राई करूंगी अपने सीख कबाब, बीच में पनीर की स्टफिंग, और मैं अपना नेक्स्ट फेवरेट ट्राई करूंगी साबूदाना। मैं नींबू प्रेफर नहीं करती, अगर कोई और खाना चाहता है नींबू के साथ तो खा सकता है। इसमें कड़ी पत्ता का फ्लेवर बहुत सही आ रहा है, वेरी यम्मी। अब क्या खाएं? अब ट्राई करते हैं खीर, थोड़ा मीठा हो जाए पहले। खीर का पता क्या टेस्ट आ रहा है, जैसे हम दलिया नहीं खाते बना के, चावल का वैसा फ्लेवर आ रहा है, बहुत। अब मैं चपाती के साथ ट्राई करूंगी जो हमने बनाई है अपनी वाइट कड़ी, बहुत सही लगती है यार। कड़ी लग ही नहीं रहा कि कुछ हल्दी नहीं डाली, बेसन नहीं डाला, उसके बिना बहुत यमी फ्लेवर है कड़ी का। तो नाउ टाइम फॉर व्रत के कढ़ाई पनीर, थोड़ा सा ही लूंगी भी मैं तो। मैं इस थाली को करूंगी एंजॉय, और आप लोगों को देखनी है ये वीडियो और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मुझे इंस्टा पे टैग करना मत भूलिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आएंगे नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।